8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। ये तो एक आरंभ है, प्यार की शुरुआत। त्रिपुणी तुरा राजमहल में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मदर मरियम त्रेस्या ने राजा से कहा, 8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। होली फैमिली धर्म बहिने सैकड़ों में बढ़कर दुनिया में कार्यरत हैं। वे कलीसिया के फैलाव के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। संत मरियम त्रेस्या परिवारों के संरक्षिका। मेरे पापों के लिए प्यारे प्रभु यीशु, तूने मौत सही, तूने मौत सही, ताकि मुझे मिले नया जीवन जो तूने मुझे दिया, ताकि मुझे मिले नया जीवन जो तूने मुझे दिया। मेरे पापों के लिए प्यारे प्रभु यीशु, अपनाने के लिए मैं कितनी पीड़ा सहूं। सब सुख छोड़कर मुझे तो तेरे ही हृदय में तल्लीन होना है, उतना ही चाहिए बस। मैं बड़े से बड़ा त्याग सहने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं। मरियम त्रेस्या ने क्या क्या नहीं सहा तुझे अपनाने के लिए। मेरे प्यारे दूल्हे, मैं अभी आती हूँ। मुझे इस दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए। जो नौजवान कल सगाई करके मुझसे शादी करना चाहता है, उसके भले मानस घर वालों का अपमान होगा। मां के जाने के लिए जब मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, मेरे घर वालों का जो अपमान और दुख होगा अपने प्यारे स्पर्श से। उन्हें साथ बना दे, सब कुछ सहने की शक्ति मेरे पिता और भाई को दे, मुझे भी शक्ति दे, ताकि मैं इस संकट का मुकाबला करूं। शक्ति दे। मुझे आपकी कृपा चाहिए, बस कृपा चाहिए। Thank you.
सब लौकिक सुख छोड़कर अपने ईसा को संपूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। कहाँ जा रही है? तुझे क्या चाहिए बेवकूफ? जा कहाँ रही है? तेरे ससुर के लिए दुल्हन देखने। जा यहाँ से। ससुर फिर से शादी करेंगे? लेकिन अपने दामाद से उन्होंने पूछा तक नहीं। ये क्या है? मेरा क्या है? चलने दो। प्रार्थना कीजिए, पिता को समझाइए, उनसे कहिए मुझसे घृणा ना करे। बेटी, दादी माँ, रो मत बेटी, तुम डरो मत, जाकर घोड़ा गाड़ी में बैठो। क्या नाम? तूने मुझे धोखा दिया? अरे जा यहाँ से। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तू भी जाए इस घर से। कभी यहाँ कदम मत उठा। जी इस घर में तुझे आने का कोई अधिकार नहीं है। कभी यहाँ पैर मत रखना। मेरे सामने से चली जा, चली जा, चली जा मेरे सामने से। ईश्वर बचाओ। चली जा। पाना है तो कुछ खोना है। अरे बेटे, ईसा को अपनाना है तो थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा। देखो, क्रूस की मृत्यु के बाद पुनर्जीवन संभव है। तो मेरी बात समझ ले। ए पेत्रुस, क्या है? बूढ़ी औरतों को किसी मठ में शामिल करते हैं क्या? मैंने अभी तक नहीं सुना, ऐसी संस्था शायद नहीं होगी। तब तो मेरा सर्वनाश होने वाला है। इसमें क्या शक है, वो तो हो चुका। हाँ,
आता हूँ नानी जी, आप आ रही है? तो क्या कह रहा है, मुझे कोई मठ में दाखिला नहीं देगा? हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए, अपने घर लौटने से तो कोई फायदा नहीं है। पैत्रस, मुझसे मजाक मत कर, जो भी हो 2-3 दिन यहाँ मदर मरियम त्रेसिया के साथ ठहरूंगी। यदि थॉमस जरा शांत हो जाए तो तू मुझे लेने आ जाना, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, हम इंतजार करें, जो कुछ होना है होगा ही। पैत्रस, तू मुझे फिर परेशान मत कर, जा भी इधर से। हाँ मैं जाता हूँ, चल बेटा चल। मदर, क्या हुआ, क्या हुआ? आप काफी थकी सी हैं, काफी परेशान हैं, क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ मदर, क्या तो आएगा। तुम हटो, मैं बजाऊंगी। बेटी सिस्टर, थोड़ा रुको, हमें मदर मरियम त्रेसिया से मिलना है, तुम कहाँ भाग रही हो? आप मेरे साथ आइए। मरियम त्रेसिया के पिता ने मुझसे कहा था कि मदर को अपने घर में भी ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं। ये बीमारी नहीं है दादी, माथे और हाथ पैरों से खून बह रहा है, तुमने नहीं देखा? दादी माँ, जैसा आपने कहा वैसा नहीं, ये बीमारी नहीं, इस पृथ्वी पर ये बिरले लोगों को मिलता है, आत्मा का वरदान है ये। क्या ये स्वर्ग की देन है? कलीसिया में कुछ संतों को मसीह ने ऐसा खास वरदान दिया है, बहुत भाग्यशाली है वो, ऐसे पंचशत कुछ ही लोगों को मिलते हैं। पवित्र त्रिमूर्ति के प्रति एक प्यारे समर्पण के रूप में खुद को सौंपने वाले पवित्र मुख कांति से युक्त साधना रथ सिनाई निवासिनी संत कैथरीन के बारे में आपने सुना है? हाँ सुना है। इस प्रकार मनुष्य पुत्र ईसा के हृदय को छीन कर साधना की ऊंचाई पर पहुंची अविला की पवित्र माता त्रेसिया, ये दोनों पंचक्षत धारिणी थी, मरियम त्रेसिया भी ऐसी ही है। मेरी बेटी, तुमने ये सारी बातें कैसे जान ली है? बेटी, ईश्वर तुम्हें वरदान देंगे, ये दादी अब खुश है, मगर तुम्हारे पिता के बारे में सोचकर मैं घबरा जाती हूँ। वो क्यों?
मुझे वापस घर जाना है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पिता बेकसूर हैं, सब कुछ ठीक होगा, तब तक आप मेरे साथ रहें। भतीजी की बेटी की हालत क्या है? मानो आसमान से गिरी खजूर पर अटकी। सुनो दादी की बात। दोनों को मदर बुला रही है। मेरे ईश्वर, हमें बुलाया? आओ, भूख के मारे तड़प रही हूँ। रात के 12 बजे यात्रा शुरू की। मदर अब स्वस्थ हैं क्या बेटी? वे अब स्वस्थ है दादी माँ। मैंने कहा था ना, उन्हें कोई रोग नहीं है। मैं तो भूल गई थी। सिस्टर, आपकी पोशाक कितनी सुंदर है, क्या कीमत होगी इसकी? क्या आप मठ में दाखिल होना चाहती हैं? बेटी, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? आप मठवासिनी होना चाहती हैं? विरोध न हो तो मैं तैयार हूँ। ये क्या कहती हैं? मैं कुछ सच्ची बातें कहूँ तो कोई नहीं समझ पाएगा। मुझे समझ में नहीं आता, आपका घर कहाँ है? वो घर के बारे में याद मत दिलाओ। मुझे हंसी आ रही है, मुझे तो प्रसव जैसी पीड़ा हो रही है। प्रसव पीड़ा इस उम्र में? अरे सिस्टर, कैसी सिस्टर, मार डालो मुझे, जाओ यहाँ से, तुम मेरे साथ आओ। प्रणाम मरिया, कृपापुर प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तुरु स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। दोनों इधर आइए। मामी बैठी है। मामी, आपने इस बेटी के लिए काफी कष्ट उठाए। मैंने तो इसके लिए नहीं, ईसा के लिए कष्ट उठाया है। कितने अच्छे हैं आपके विचार। जिनके माता पिता इतने ईश्वरीय सोच विचार वाले होते हैं, उनकी संतानें ही इस प्रकार की अवस्था में आती है। इज्ञाना, मदर, ईसा के पास पहुंचने के लिए तुमने जो धैर्य और जोश प्रकट किया है, उसे नष्ट नहीं होने दो। जोश को खोए बिना, भटके बिना, मूल्यों को अपनाते हुए आगे बढ़ने की कृपा पाने के लिए रोज माता मरियम से प्रार्थना करो। माँ, अपनी नीली पोशाक से ढककर मेरी रक्षा करें। पवित्र माता तुम्हारे साथ होंगी। मैं प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद माँ। सिस्टर, इट्यानम को ले जाओ। ईसा मसीह की स्तुति हो। सदा स्तुति हो। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं सबको भूल जाऊंगी, अब हम नहीं मिलेंगे। बेटी, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हुए मैं जीवन बिताऊंगी, तुम शांति से जाओ। मेरी बेटी, मेरी हालत अच्छी नहीं है, बहुत कष्ट है मुझे। मामी परेशान न हो, वो आएंगे। कौन? इट्यानम के पिता। मेरे ईश्वर, जल्दी आएंगे। मेरे प्रभु, देखें वे आ गए। ये प्रभु, मुझे उठा ले, उठा ले मुझे। दादी को ढूंढते हुए उनका बेटा आया है। दादी की मृत्यु कल रात को ही हो चुकी है, उनसे जाकर कहो उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। मा,
मम्मी परेशान ना हो, थॉमस से कहो कि आकर मुझसे मिले। जाओ। ईसा मरियम यूसुफ, इस आत्मा का साथ देना मेरे यीशु। कहाँ है, आती क्यों नहीं है बाहर? मैं उसके साथ कैसे जाऊं? मुझे शक्ति दो प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं कैसे इक्का गाड़ी में चढ़ूं? मुझे शक्ति दो, अभी मर जाऊं। थॉमस, बैठ, गाड़ी में जा। मैं कैसे इक्का गाड़ी में चढ़ूं? मुझे शक्ति दीजिए। जो भी हो जाए। जल्दी चल बुढ़िया, जल्दी चल, बैठ। क्या है, मैं चढ़ चुकी हूँ। जल्दी बैठ, बैठ। मुझे माफ करना पिताजी। इत्यानम की तरह जो त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन बिताते हैं, वे ही सदा कलीसिया का बल और विकास हैं। जिन्होंने ईसा को जाना है और जिन्होंने नहीं जाना है, सबके भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए लाभ की प्रतीक्षा किए बिना अपना जीवन ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं पुरोहित और धर्म बहने। ये भी हमारे जैसे मनुष्य हैं, उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। जो भी पवित्र घराने में आ चुके हैं, उन सबों के पीछे त्यागपूर्ण कहानियां होंगी। ईश्वर के पालन में जीकर इत्यानम सिस्टर अल्बर्टा नाम स्वीकार कर धर्म बहन बन गई। वे मरियम त्रेसिया का पूरा सहयोग देते हुए प्रेरिताई काम करती रही। संत मरियम त्रेसिया परिवारों के संरक्षक। तेरा नूर।
से हमको मिलती है शांति माँ। तूने कोड़ियों को किया पाक और साफ, मुझे भी कर दे तू पाक।